हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि मार्च का महीना चल रहा है। अब एग्ज़ाम में मुश्किल से 3 महीने का और टाइम बचा हुआ है, तो आप लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से करो ताकि अच्छे ग्रेड्स आप लोग सिक्योर कर सको। एक इंफॉर्मेशन थी, ऐसे स्टूडेंट्स जो ओ लेवल पास आउट कर चुके हैं और वो प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग अगर कुछ कंसल्टेशन चाहते हैं, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट गाइडेंस अवेलेबल है। आगे आज बात करते हैं, आज हम अपने एक टॉपिक के साथ आए हुए हैं जिसका नाम है आउटपुट डिवाइसेस। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको डायरेक्टली मिल सकें। और अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि हमें आगे बढ़ने में थोड़ी सी हेल्प हो सके। और अगर कोई सजेशंस हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने प्रॉब्लम्स और अपने सजेशंस को कमेंट में लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है आउटपुट डिवाइसेस। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में देखा था। मैं डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस वीडियोस के लिंक्स पेस्ट कर दूंगा, अगर जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं देखा है वो प्लीज़ उसको जाके देख लेंगे। और अगर आज के टॉपिक की बात करें तो आज का भी टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनपुट आउटपुट दो डिवाइसेस हैं जो काफ़ी शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है, या फिर एमसीक्यू या ट्रू फॉल्स में आपको ये ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, आउटपुट डिवाइसेस। तो अगर हम आउटपुट डिवाइसेस की बात करें, तो जैसे कि इनपुट डिवाइसेस की बात करी थी, तो हम लोगों ने बात ये करी थी कि इनपुट डिवाइसेस जो होती हैं, जिनकी हेल्प से हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं, जिनकी हेल्प से हम कंप्यूटर्स को अपनी बात समझाते हैं, उन डिवाइसेस को इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस की अगर हम बात करें, तो आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिसमें कंप्यूटर अपनी बात को हमें समझाता है, हम मतलब एंड यूज़र। तो अपनी बात को कंप्यूटर समझाने के लिए जिन डिवाइसेस का यूज़ करता है वो आउटपुट डिवाइसेस कही जाती हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि फॉर इंटरेक्शन पर्पस कंप्यूटर जिन डिवाइसेस का यूज़ करता है एंड यूज़र के लिए, वो सारी डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस में आती हैं। या ये भी कह सकते हैं कि जो प्रोसेस डेटा होता है, जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर प्रोसेस करके दिखाता है हमें, वो डिवाइसेस आपकी आउटपुट डिवाइसेस होती है। तो पहली अगर आउटपुट डिवाइसेस की बात करें, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस है, वो मॉनिटर होती है। मॉनिटर को एक अलग यूनिट के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम लोग विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं, VDU। इसको हम लोग विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, VDU स्टैंड्स फॉर विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और मॉनिटर्स की जितनी भी कैटेगरीज हैं, वो सारी कैटेगरीज इस यूनिट के अंतर्गत आती है। तो ध्यान दीजिएगा, VDU की बात हम लोगों ने करी हुई है। तो मॉनिटर मॉनिटर बेसिकली क्या है कि एक आउटपुट डिवाइस है जो वीडियो, इमेजेस, टेक्स्ट, इस तरह के ग्राफिक्स को दिखाने का काम करता है। अब ग्राफिक्स भी दो टाइप का होता है, वेक्टर ग्राफिक्स होता है और रास्टर ग्राफिक्स होता है। इसके बारे में सेपरेट हम बात करेंगे कि ग्राफिक्स क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम टाइप्स ऑफ मॉनिटर पे आए, तो जो टाइप्स हैं वो बेसिकली तीन होते हैं। कुछ बुक्स में, कुछ रिसोर्सेज में आपको मिलेगा भी कि मॉनिटर्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले होते हैं और दूसरे CRT डिस्प्लेज होते हैं। तो हम फ्लैट पैनल डिस्प्लेज पे हम नहीं गए हैं, हमने सीधे CRT, LED और LCD में कंप्यूटर्स डिस्प्लेज को कैटेगराइज किया है। तो अगर आपको कहीं मिलता है कि फ्लैट पैनल डिस्प्लेज एंड CRT डिस्प्ले, देन इट इज़ ऑल्सो ट्रू, इट इज़ नॉट रॉन्ग, बट हमने इस तरह से क्लासिफिकेशन किया है कि CRT, LCD और LED। तो अगर हम CRT की बात करें, तो CRT डिस्प्लेज को मोनोक्रोम डिस्प्लेज भी कहा जाता है। ये जो डिस्प्लेज होते हैं, ये एक ट्यूब का यूज़ करते हैं, जिसको हम कैथोड रे ट्यूब कहते हैं, और बीम्स की हेल्प से ग्राफिक्स को, इलेक्ट्रॉन की हेल्प से फास्फोरस प्लेट पे ग्राफिक्स को ड्रॉ करते हैं। इनका रेजोल्यूशन काफ़ी अच्छा होता है, डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, बट रेडिएशंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो आँखों के लिए ये हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। बल्की होते हैं, साइज में पीछे से बम्प निकला हुआ होता है, तो देखने में उतने अच्छे भी नहीं लगते हैं।
बट डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि इनके रिफ्रेश रेट काफ़ी अच्छे होते हैं। अब अगर हम बात करें तो इनकी वर्किंग कुछ इस तरीके की होती है कि यहाँ पे सामने एक फास्फोरस की प्लेट होती है, कोटिंग होती है, और यहाँ पे कनेक्टर पिंस होती हैं जिससे हम केबल्स को कनेक्ट करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन गन होती है और एक फोकसिंग सिस्टम लगा होता है जो एक प्लेट पे एक्स वाई डिफ्लेक्ट प्लेट्स होती हैं उस पे बीम्स, इलेक्ट्रॉन बीम्स को पोलराइज करता है और ये बीम्स फिर यहाँ पे ग्राफिक्स को फॉर्म करती हैं। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो सीआरटी में एक आपका इलेक्ट्रॉन गन होगा, एक आपका फोकसिंग सिस्टम होगा और नेक्स्ट वन इज योर फास्फोरस प्लेट होगा जो ब्लिंक करता है हमारे सामने। तो अगर हम बात करें तो एंड यूजर यहाँ पे बात करेगा ये फास्फोरस प्लेट पे। नेक्स्ट अगर डिस्प्ले की बात करें तो ये आपका एलसीडी डिस्प्ले होता है, इसको थिन प्लेट डिस्प्ले स्क्रीन भी कहते हैं और ये जनरली लैपटॉप या कंप्यूटर स्क्रीन या सेलफोन या वीडियो गेम्स में यूज करा जाता है। और ये काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है जो लिक्विड क्रिस्टल्स का यूज़ करके डिस्प्लेस को फॉर्म करती है। अगर हम बात करें तो ये काफ़ी फ्लैट होते हैं, स्लिम होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं और पावर भी कम कंज्यूम करते हैं, डिस्प्ले क्वालिटी भी अच्छी होती है। अगर हम वर्किंग की बात करें तो इनकी वर्किंग कुछ इस तरीके की होती है। ये फ्रंट स्क्रीन हो जाती है जो यहाँ पे है, ये डिस्प्ले सरफेस ग्लास से फैब्रिकेटेड होता है और इसके अंदर कई लेयर्स होती हैं जिन्हें हम लिक्विड क्रिस्टल पैनल्स कहते हैं। और इन पैनल्स के बात करें तो एक पोलराइजर होता है, कलर फिल्टर होता है, लिक्विड क्रिस्टल होता है, बैक लाइट यूनिट होती है और एक पीसीबी होती है। तो पीसीबी से सारी कंट्रोलिंग होती है और वो कंट्रोलिंग बैक लाइट यूनिट के पास जाती है, वहाँ से डिस्प्ले जो है वो फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल से, वो डिस्प्ले होके और पोलराइजर की हेल्प से हमारे सामने तक आता है। तो इसकी वर्किंग काफ़ी स्मूथ होती है और काफ़ी अच्छी होती है। इन डिस्प्लेज को काफ़ी अच्छा भी माना जाता है। बट रिपेयरिंग की बात अगर करें तो ये रिपेयर नहीं हो सकते, जबकि सीआरटी आपके रिपेयरिंग हो सकती है उनकी, तो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एलईडी की बात करेंगे तो लाइट इमिटिंग डायोड्स कहते हैं। आजकल ये टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस पावर है वो काफ़ी अच्छी है। अगर हम इनकी कैपेसिटी की बात करें तो इसमें कुछ इस तरीके के अरेंजमेंट्स होते हैं। एलईडी बैक लाइट सबसे बैक में होती है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोड्स और लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं, उसके बाद कलर फिल्टर होता है। तो कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे हमें बहुत बेटर मिल जाता है। एंड आफ्टर दैट इन सबसे होते हुए जो पिक्चर है हमारे हमारे सामने आती है। तो एलईडीज बेसिकली यहाँ पे जो बैकलाइट पैनल है यहाँ पे आपकी एलईडीज यूज होती हैं। एलईडीज अगर हम बात करें जनरली जो एलईडीज हम यूज करते हैं तो एनोड कैथोड होता है, ठीक है। एंड इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन और फोटॉन बीम्स को जो है वो बॉम्बिंग कराई जाती है किस पे, आपके लिक्विड क्रिस्टल्स पे। तो वो लिक्विड क्रिस्टल्स वहाँ से ब्लिंक होते हैं तो वो कलर फिल्टर में जाते हैं, तो कलर उसको मिलता है और उस कलर से फिर वो डिस्प्ले हमें फॉर्म होके मिलता है। तो ये आपकी डिस्प्लेस की बात थी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रिंटर्स की, और प्रिंटर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों और अपने नियर एंड डियर्स के साथ उसको जरूर शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।